बड़ो पर्वत उठाई लियो। सब दौड़ करके गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई। श्री नंददास जी अष्ट सखा है ना, उनमें एक नंददास जी है, गिन लो एक बार, सूरदास, गोविंददास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास और कृष्णदास हो गए, है गए ना आठ, ये अष्ट सखा है। इनमें एक है नंददास। नंददास जी को चरित्र बहुत सुंदर है, कृष्णदास जी को भी बहुत मधुर है। नंददास जी को ऐसा बतावे कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी से कछु संबंध हतो, तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नंददास जी को पत्र लिखो और पत्र में लिख करके नंददास जी से निवेदन कर रहे हैं, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। अरे नंददास, तुम्हारे परिवार में सब राम जी को भजते हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी राम जी के भक्त हैं और तुम राम जी को छोड़ छाड़ करके जो है का ये टेढ़ी टांग वाले ठाकुर के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो श्री नंददास जी उनको प्रत्युत्तर में भाव कहें, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। बोले भैया मैं चाकर तो राम जी को ही हूँ, जन्म जन्म तो उनको ही दास रहूंगा, लेकिन रूप माधुरी मन हरयो डार प्रेम की फांस। मैं चाकर तो राम जी को ही हूँ, सेवक तो राम जी को ही हूँ, लेकिन कहा करूँ या कन्हैया की रूप माधुरी में ऐसो मेरो मन लग गयो है कि इनने मैं ना गयो इनके पास, इनने मेरे गले में प्रेम की फांस डार के मुँह को अपने पास खींच लियो है। और भैया ये सत्य ही मानियो, ये तुमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं ना देखवे में, सबको नए लगे। बिहारी जी हजारों लोग दर्शन करवे जामे पर सबको बिहारी जी बहुत प्रिय लगते हो ऐसा ना है। कई लोग तो यही मारे जामे हमारे बिगड़े काम बनाए दो बिहारी जी, हम तो यहां मारे आए हैं। पर बिहारी जी कोई को यदि अति प्रिय लग गए तो यही समझियो तुमको बिहारी जी ना है, बिहारी जी को तुम प्रिय लग गए हो। नंददास जी यहां प्रमाणित कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले मैं कहा करूं, रूप माधुरी मन हरयो डार प्रेम की फांस। मोए तो इनते प्रेम ना भयो, इनको मोते प्रेम है गयो और इनने मैं खींच लियो अपनी तरफ, अब कहा करूं। गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखो और वह पत्र में कहा लिख के कह रहे हैं, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहो दंडक वन, गिरी का मद अविनाशी। धाम में रहवे को मन हो तो भैया अयोध्या में रहना चाहिए और पुरी में रहवे को मन करे तो काशीपुरी सबसे बढ़िया है, वन में रुकवे को मन करे तो दंडक वन में रुको, और अगर गिरी रुचे तो यानी कि पर्वत के समीप रहना हो तो कामतानाथ चित्रकूट उनके पास रहो। तो नंददास जी को जैसे पत्र आया तो नंददास जी ने रिटर्न आंसर लिख के भेजो, कहा जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, नाम रुचे तो गाम रुचे तो रहो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो श्री जमुना तट, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री जमुना, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, सकल मनोरथ पूरण काम, नंददास वन रुचे तो बसो श्री भूमि वृंदावन धाम। नंददास जी ने रिटर्न में लिख के भेज दिए, बोले ये सब है, पूरी मथुरा बढ़िया है और गिरी हमारी गिरिराज जी बढ़िया है और नदी हमारी जमुना जी बढ़िया है, वन हमारो वृंदावन बढ़िया है, गांव हमारो नंदगाम बढ़िया है। गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके भेजो, बोले कहा कमी रघुनाथ के, रघुनाथ जी में क्या कमी है जो आप उनके शरणागत नहीं हो। तब नंददास जी कहते हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान।
बोले भैया मेरी कमी ना है, मेरे परिवार वाले इनकी कमी है। बोले काय को? बोले मेरो जन्म भयो और मेरो जन्म हेतु नाम रख दियो नंद दास। मेरो नाम रख देते रामदास राघव दास तो उन्हीं कोई दास रहे, तो अब मेरे जन्मते ही नाम नंद दास है तो मैं नंद नंदन की शरण में क्यों ना रहूं। और फिर अंत में नंद दास जी एक बड़ी व्यंग की और बड़ी मीठी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले देखो राम जी की शरणागत होवे में कोई दिक्कत नहीं है, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रत धारण करते हैं, पर हमारो कन्हैया बहुत बढ़िया है, जितनी पत्नी मिल जाए सब तो ब्याह कर ले। कहीं राम जी की शरण में रहे तो वो तो संकोच करेंगे शरण में लेवे में, लेकिन हमारे ठाकुर जी संकोच ना करेंगे, इनकी तो शरण में जो आ जाए वही कुछ स्वीकार कर लें, या हमारे मैं तो इनकी शरण में ही हूँ। ऐसे ही श्री नंद दास जी महाराज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, इतनों सुंदर भाव कह रहे हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन। सब लोग गाओ सुन करके। नंद दास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया यहाँ तो रास विहार है रो है। बोले कैसो रास विहार? बोले ठाकुर जी के कर पल्लव पर मानो ठाकुर जी की उंगली इन पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं आकाश में। अरे कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गुवर दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर रखे हैं और गिरिराज जी जो इधर उधर झूम रहे हैं, श्री नंददास जी कह रहे हैं मुकुट तो ऐसा लगे गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। और वह गिरिराज जी के नृत्य को देख करके ठाकुर जी के मन में आयो, भैया ये नृत्य कर रहे हैं, एक स्वर तो दे में। सो एक भुजाते गिरिराज जी धारण कर रखे, दूसरी भुजाते ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और श्री गोवर्धन नाथ नृत्य कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, बादलों की जो गड़गड़ाहट है उससे ऐसा लगता है मानो मृदंग बज रहा है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और गिरिराज जी झूम झूम करके नाच रहे हैं। मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंग मृदंग बजावे, दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, दामिनी दम के
कितना सुंदर भाव, मेघ मृदंगी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए अंधेरो हेरो है, तो फिर सब दिख कैसे रहे एक दूसरे को? वहां कोई मसाल जला के थोड़ी खड़ा हो, इतनी व्यवस्था थोड़ी है। बोले बीच बीच में जब बादल कड़कते हैं और उनकी जब दामिनी निकलती दमकती है, उसके प्रकाश जब होता है, तब एक दूसरे को सब लोग देखते हैं। दामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। बाल ताल दे नी को गावे, बाल ताल दे नी को गावे, बाल ताल दे नी को गावे, बाल ताल दे नी को गावे। देखो ये सब भावना इतने सुंदर दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं, और बीच बीच में एक स्वर और सुनाई दे रहा है। वो स्वर किसका है? गायन के संग सुर जो भरे गाते गाते मुझे गैया की रम्मानी की आवाज और सुनाई दे रही है, बीच बीच में स्वर में गैया भी गा रही है। अच्छा मैं अभी गा रहा हूँ ना, तो गाते गाते मुझे गैया की रम्मानी की आवाज और सुनाई दे रही है, बीच बीच में स्वर में गैया भी गा रही है। अम्मा ऐसी करे गैया, और वो भी स्वर में गा रही है। नंददास जी सुन रहे हैं, सब ग्वाल बाल गा रहे हैं, गैया रम्मा रही है, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं। और या दृश्य को देख करके देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल गोपी पर।
जी नख पर गिरिराज जी धारण कि देखो कैसा दर्शन। ये चिंतन में आने वाले दर्शन हैं। अगर देखा जाए तो भयाभय दृश्य है, मूसलाधार बारिश आ रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी 7 वर्ष के लाला गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं, और कोई सामान्य वर्षा नहीं है। शेष नाग ने बांध बांध रखा है कि बाहर का पानी भीतर नहीं आ जाए, अमित प्रलय जैसा हो रहा है वृंदावन में। अगस्त मुनि एक कोने में बैठकर के संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं, सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति से घूम करके पानी को सुखा रहे हैं कि कहीं ब्रजवासियों पर कोई संकट ना आ जाए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य कोई आचार्य ही देख सकते हैं, नंददास जी देख रहे हैं ऐसा दृश्य। ये तो थे नंददास जी के दर्शन। अब हमारे जयदेव महाप्रभु क्या देख रहे हैं? अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। श्री जयदेव महाप्रभु देख रहे हैं, बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए हैं और बिल्कुल सामने श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो तब ठाकुर जी के मन में ये भाव हो कि अभी बचावे के काजे ब्रजवासी इनको गिरिराज जी उठा रहा हूं, लेकिन गिरिराज जी उठाते ही भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी इंद्र को संकेत करवे वारे की वर्षा बंद कर अभी, नहीं तो देख लूंगा मैं। ठाकुर जी कैसे हैं? वेदों में वर्णन है कि ठाकुर जी तो इच्छा करते हैं, वो इच्छा ही देवताओं को पता चल जाती है कि अब हमें क्या करना है। तो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी उसी समय मन में सोच लेते हैं, अरे इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, तू वर्षा कर रहा है, बंद कर यार। लेकिन ठाकुर जी इंद्र को संकेत करने वाले ही थे कि वर्षा बंद करो, कि तभी ठाकुर जी ने देखी कि सब ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, गिच बिच करके एक दूसरे ते कमर कंधा ते कंधा लगा के खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है महाराज, सब ब्रजवासी खड़े हैं ठाकुर जी को घेर के। लेकिन ठाकुर जी जा शिला पर खड़े हैं, वहां ठीक सामने हमारी श्यामाजू खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। और ठाकुर जी ने जैसे किशोरी जी को देखो, देखते ही बोले ये अवसर बढ़िया है, किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनको देखवे के काजे बार बार समय तो मिले ना है, कभी जे कहीं चली जाएं, कभी कोई कार्य में व्यस्त रहे, सब ब्रजवासी इनके बीच में देखवे में लज्जा आवे, ये बढ़िया समय है, अभी 7 दिन यहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी डुलेंगी है ना है। और 7 दिन नहीं, ठाकुर जी ने तो इंद्र को संकेत यों किया, बोले तो पे जितनी है सके, जितनो जोर लगा के बरसा सके तू बरसा तो रहे, श्री जी सामने खड़ी है, मैं देख तो लू ने कि इनको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं, देखते 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 महाराज युगल गीत में आज सवेरे एक भाव पढ़ रहे हो मैं, तो युगल गीत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी जब सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नील कांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे आ जाए पीरे पीरे से पके हुए फल के समान, युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आमे तो पीरे काई को है जाए, बोले किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे तो है गये और श्री जी दिखी ना है मुकु, तो जा प्रकार से नेक उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जामे, अब यूं है जाए कि बस अब कैसे श्री जी दिखाए दो मुकु, श्री जी को देखे के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे।
वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरूप पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जले ही ना बचो, सबरूप खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो महाराज ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही हती कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो अब यूं ही खड़ो रहूंगा, श्री जी सामने खड़ी हैं, मैं इनको दर्शन कर रहा हूं, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए, आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं देख लियो आगे की लीला कौन है करनी है, मैं तो अब कहीं ना जा रहा हूं, मैं तो यूं ही खड़ो रहूंगा और श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, या कि अनेक भाव हैं, पर एक भाव ये भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें, बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई, सब ब्रजवासी ने खूब आनंद किया।